न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गीडा में बंद यूनिटों के स्वामियों एवं बैंकर्स के साथ बैठक। कहा, बैंकर्स बंद यूनिटों को चलाने तथा बंद यूनिट के स्वामी भी बैंकर्स के देयकों के भुगतान में करें सहयोग। डायरेक्टरों के विवाद को लेकर हुए बवाल पर सोमवार को जिला प्रशासन ने होप पेनेशिया हॉस्पिटल को किया सील। मरीजों को दूसरे अस्पताल में कराया गया शिफ्ट। जीडीए अध्यक्ष मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई जीडीए बोर्ड की बैठक। जीडीए का सीमा विस्तार किए जाने सहित अन्य विकास कार्यों पर हुई चर्चा। सभी प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का सोमवार को कोविड 19 के नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण। कहा, बेहतर है गोरखपुर जिले की स्थिति। लोगों से किया अपील। कहा, घर परिवार को बचाने के लिए करें मास्क का प्रयोग। कोविड 19 के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर चलाया जाए अभियान। संक्रमित व्यक्तियों को करें चिन्हित। धैर्य डेयरी फार्म LLP सिहापार के प्रोजेक्ट की अनुमति दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई समिति की बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शाहपुर थाना क्षेत्र में बनाए गए हॉटस्पॉट क्षेत्रों का SDM सदर ने किया निरीक्षण। कहा, कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों को रेलवे अस्पताल में कराया गया है शिफ्ट। उस परिधि को किया गया सील। गुलरिया थाना क्षेत्र के सरहरी पुलिस चौकी के पास 28 जून को देशी शराब की दुकान के मुनीब से हुई लूट की घटना स्थल का सोमवार को SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया मौके का मुआयना। घटना के जल्द खुलासे का दिया आश्वासन। गोरखपुर में सोमवार को मिले 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 325, जबकि 205 हो चुके हैं डिस्चार्ज। 13 लोगों की हो चुकी है मौत। एक्टिव केस 107। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। शासन के निर्देश पर तहसील सदर के मुख्य द्वार पर स्थापित हुआ कोविड हेल्प डेस्क। तहसील में आने वाले सभी लोगों की होगी थर्मल स्कैनिंग, जिससे रोका जा सके कोरोना का संक्रमण। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने दिया धरना, किया प्रदर्शन। कहा, बड़ी कीमतें वापस ले सरकार। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने DM को प्रेषित किया ज्ञापन। बढ़े दामों को वापस करने की मांग। और 4 सूत्रीय मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा को निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की मांग।